हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वंदे मातरम। इस पवित्र भारत भूमि को हमारा शत शत नमन। भक्तों, जब देशभक्ति की बात आती है तो देशवासियों के रक्त में उबाल आ जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में हम देश के अनेकों क्रांतिकारियों की गाथाएं सुन चुके हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। उस समय देश में हर जगह वंदे मातरम की ध्वनि और भारत माता की जय के उद्घोष सुनाई देते थे। आज भी वैसे ही भारत माता के लिए हर भारतवासी में बहुत अधिक श्रद्धा है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जो देशभक्ति के ऐसे ही भाव को प्रदर्शित करता है, जो समर्पित है भारत माता को। भक्तों, उत्तराखंड राज्य के पवित्र नगर हरिद्वार में सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है भारत माता मंदिर। मंदिर की भव्यता और सुंदरता अद्भुत है। मंदिर में विग्रह दर्शन करने से आपको यहाँ की दिव्य ऊर्जा और शक्ति का अनुभव होता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1983 में संपन्न हुआ था। मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी पहुंची थीं। इस अति सुंदर भव्य भारत माता मंदिर का निर्माण स्वामी श्री 108 सत्यमित्रानंद गिरी जी के करकमलों द्वारा हुआ है। स्वामी जी मंदिर निर्माण से पहले भानुपुरा मध्य प्रदेश में शंकराचार्य पद पर आसीन थे। उस समय स्वामी जी को विचार आया कि देश में भारत माता का कोई भी मंदिर नहीं है, अतः क्यों ना भारत माता मंदिर का निर्माण होना चाहिए। स्वामी जी ने मन में मंदिर निर्माण का दृढ़ संकल्प कर लिया और अपने उस शंकराचार्य पद को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप कर स्वयं हरिद्वार आ गए और तन मन धन से मंदिर निर्माण कार्य में लग गए। भक्तों, आज स्वामी जी की लगन और संकल्प का फल है ये अति सुंदर भारत माता मंदिर। ये मंदिर हरिद्वार के प्रमुख सुंदर मंदिरों में से एक है। ये बहुत ही ऊंचा और विशाल मंदिर है। भक्तों, मंदिर का सौंदर्य अद्भुत है, जिसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मंदिर की भव्यता देखकर मन मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मंदिर के खुलने और बंद होने का समय अंकित है और मंदिर के बाहर ही एक बोर्ड पर मंदिर में प्रत्येक मंजिल पर होने वाले दर्शनों का विवरण भी है। मंदिर में प्रवेश के दो मार्ग हैं। एक तो आप सीढ़ियों से दर्शन करते हुए जा सकते हैं और सीढ़ियों से ही वापस भी आ सकते हैं। यदि किसी को सीढ़ियां चढ़ने में कोई समस्या है तो लिफ्ट से भी दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर 8 मंजिला है। यहाँ सबसे प्रथम स्तर पर भारत माता की बहुत विशाल और भव्य मूर्ति है, जिनके दर्शन कर भक्तगण दूसरी मंजिल पर स्थित शूर मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जहां भारत माता के शूर वीरों स्वतंत्रता सेनानियों के दर्शन होते हैं। तीसरी मंजिल के मातृ मंदिर में मातृ शक्तियों के दर्शन होते हैं, जिनमें देश की महान सती नारियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। चौथी मंजिल पर स्थित संत मंदिर में देश के सभी धर्मों के महान संतों के दर्शन होते हैं। संत दर्शनों से सभी पापों की मुक्ति तत्काल हो जाती है। यहाँ अनेकों संतों के दर्शन कर मन अति प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। पांचवी मंजिल में सत्संग हॉल के साथ साथ प्रत्येक राज्य की झांकियों के दर्शन होते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए छठी मंजिल पर मां शक्ति के 9 स्वरूपों की बहुत ही सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। सातवीं मंजिल पर भगवान श्री विष्णु के सभी रूपों को भव्य रूप में स्थापित किया गया है। इसके पश्चात आठवीं और अंतिम मंजिल पर आदिदेव महादेव सपरिवार विराजित हैं, जहां भगवान शिव के अभिषेक और पूजा करके
ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर्व सिद्धि पूर्ण हो गई हो। एक साथ सभी देवी देवताओं, संतों, शूर वीरों और मातृ शक्तियों के दर्शन केवल भारत माता मंदिर में ही संभव हो पाते हैं। हरिद्वार जैसे तीर्थ में एक ही मंदिर में यदि ये संयोग मिल जाए तो इसे अपने परम भाग्य का प्रताप ही समझें। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हरिद्वार दर्शन करने आए तो भारत माता मंदिर के दर्शन कर परम पुण्य के भागी अवश्य बने। भक्तों, मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 8 बजे है तथा सायंकालीन आरती 6:30 बजे होती है। यहाँ आरती के दर्शन बहुत ही भव्य होते हैं, अतः आरती की गूंज से मंदिर का वातावरण दिव्यता में परिणीत हो जाता है। यदि आप उत्तराखंड राज्य के पवित्र नगर हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के दर्शनों के लिए आए तो हरिद्वार में आसपास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंड, चंडी देवी, पतंजलि योग पीठ, माँ आनंदमयी आश्रम, श्री तुलसी मानस मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और माया देवी मंदिर। भक्तों, यदि आप हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप भारत माता मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देहरादून के जॉली ग्रैंड हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप भारत माता मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो हरिद्वार देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर आप सड़क मार्ग द्वारा भी भारत माता मंदिर की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भारत माता मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भारत माता का आशीर्वाद व भगवान की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इति शुभम।